करते थे कि आपको लोकल फेस हमेशा आगे रखना होगा, और अगर आप लोकल फेस नहीं रखते हैं तो उसका एक नुकसान हो सकता अगर है। अगर यही फिगर परिणाम में तब्दील होते हैं तो वाकई ये कहा जा सकता पड़ेगा, है, ये मानना पड़ेगा। चलिए, मंत्री हफीजुल हसन जो मधुपुर से जेएमएम के प्रत्याशी भी हैं, फिलहाल सीट में अभी पीछे चल रहे हैं, उनका भी रिएक्शन आया है, अपने दर्शकों को वो सुनवाते थे, अभी आगे हैं और अच्छा रहेगा। गढ़ को कहे जाने वाले बीजेपी अपने आप को कौरों को कह रही है कि हम वहां पे भी आगे चलेंगे। देखिए क्या होगा, क्या लग रहा है क्या आंकड़ा होगा जीत का? आप तो मेरा 15,000 से 20,000 से जीतेंगे आप। चलिए थे अभी आगे हैं और अच्छा रहेगा। गढ़ को कहे जाने वाले बीजेपी अपने आप को कौरों को कह रही है कि हम वहां पे भी आगे चलेंगे। देखिए क्या होगा, क्या लग रहा है क्या आंकड़ा होगा जीत का? आप तो मेरा 15,000 से 20,000 से जीतेंगे आप। चलिए, तो उम्मीदें बरकरार हैं और बरकरार भी रहनी चाहिए क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन नतीजे नजर आ रहे हैं। सौरभ, आपके साथ लगता है फिर कोई जेएमएम से नेता है, अगर वो रिएक्शन अपना देना चाहे तो उनसे लेने की कोशिश कीजिए। किस ओर देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो शुरुआती रुझान है नतीजे में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, नतीजा तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता ने पहले ही देख चुके हैं हेमंत सोरेन जी के सरकार के पक्ष में, और आप जो देख रहे हैं ये रुझान कुछ समय में जीत पे तब्दील होते इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। ये सारे युवा, सारे जितने भी झारखंड के वासी हैं, उनके द्वारा जो मत हेमंत सोरेन जी को मिल चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। क्या फैक्टर आप लोगों का काम आया है, लग रहा है कि ये जो शुरुआती रुझान में आप लोग आगे चल रहे हैं, किन फैक्टर को आप लोग अहम मान रहे हैं? देखिए, ये रुझान नहीं, ये जीत तो हम लोग जिस दिन चुनाव का नॉमिनेशन हुआ उसी दिन हम लोग अपने पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जीत हासिल हो चुकी थी, क्योंकि झारखंड की जनता ने उन्हें उसी दिन चुन लिया था जिस दिन उनके प्रति झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हर एक सुख सुविधा, उनके हर तकलीफों को निराकर करके इस राज्य को चलाने का काम किए। तो कितना सीट देख रहे हैं, जैसे कि जेएमएम कितनी सीटों पर लग रहा है कि ये जीत पाएगा? देखिए, जेएमएम तो 35 सीट कम से कम जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन में 50 से 55 सीट कंफर्म हम लोगों की आ रही है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया फोल्डर में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एनडीए फोल्डर की बात की जाए तो वहां के जो नेताओं से हमने बात की है उस रूपाले की ओर से, तो उनका कहना है कि वेट एंड वॉच, कुछ देर इंतजार कीजिए, नतीजे जैसे जैसे आएंगे, जिस प्रकार से रुझान नतीजे में तब्दील होंगे उसके बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा। लेकिन इन सबके बीच यदि कुछ चौंकाने वाले यदि नतीजे आते हैं तो ये झारखंड के चुनाव में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि जिस प्रकार से दोनों ओर से तमाम राजनीतिक दल ने अपनी अपनी ताकत झोंकी और कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर ग्राउंड जीरो तक जनता के बीच पहुंचे वो किस पाले की ओर से किन मुद्दों को जनता ने अडॉप्ट किया, उसको अडॉप्ट करके वोट किए हैं, यह देखना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास, दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।